हेलो, मैं किरण बोल रही हूँ, पापा से बात कराइए। नहीं, अभी तक वो मीटिंग में है। मुझे नहीं काटा केक, नहीं सेलिब्रेट करना बर्थडे। किरण दरवाजा खोलो बेटा, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। पापा से सॉरी 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 वेरी सॉरी। बहुत जल्दी में हो। हाँ, क्या फिर से कपूर हाउस जाने का इरादा है? जी, बहुत कुछ जानना है तुम्हें। यानी फिर से माँ को नाराज करने का इरादा है? अब मैं किसी को नाराज नहीं करूंगा। तो फिर इस जानने का अंत कहाँ है संस्कार? बस वहां तक जहां मुझे पता चल जाए कि मेरे पापा कहां हैं। वहीं तक है हरीश? यस, ऑफ कोर्स। यानी उसके बाद फिर तुम कोई सवाल नहीं करोगे? उसके बाद कोई जरूरत ही नहीं है। किसकी? मेरी या सवालों की? क्या जाने दो, आज तुम जल्दी में, फिर कभी ज्ञान से बातें करेंगे। जब तक मुझे मेरे पापा के बारे में सब सच नहीं पता चल जाता, मेरे पास इत्मीनान नहीं। तो ठीक है, इस विषय पर जब तुम कहोगे तभी बात करेंगे। After all, we are friends. Thanks. You are always welcome. और कपिल? हाँ भैया। चले भैया, मैं आप ही का वेट कर रहा था। आई एम रेडी। चले इसको। भैया, पर अगर बाहर किसी ने पूछा तो क्या कहेंगे? कुछ नहीं, मैं कह दूंगा कि मैं ऑफिस जाते वक्त तुझे तेरे प्रोजेक्ट के लिए छोड़ दूंगा और मैं वहीं से चला जाऊंगा। परफेक्ट, मैं कुछ भूलती नहीं रहा। अरे चल, जल्दी चल लो भैया, सपने किसी ने पकड़ लिया। हाँ, आराम से। तूने घर की चाबी रख ली ना? हाँ भैया, सब रख ली। भैया, भैया आप लोग कहाँ जा रहे हैं इतनी जल्दी? पायल, तुम्हें मैंने जो कल कहा था मैथ्स के मल्टीप्लिकेशन के सम करने के लिए, वो करके दिखाया मेरे को? नहीं, मैंने तो वो शुरू भी नहीं किया। कितनी गलत बात है ना पायल, तुम्हें आज सुबह मुझे दिखाना था ना, है ना? ऐसा नहीं करते ना? आऊंगा कपिल पुत्र। अम्मा जी, कल मैंने उसको कुछ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के सम दिए थे, मैं बोलता सुबह सुबह मुझे दिखा देना, अभी तक किया नहीं। क्या पुत्र, तूने किया नहीं? देख पुत्र, गलत बात है, छुट्टियाँ होती हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि सारा दिन खेलते ही रहो, पढ़ना भी होता है। तो दोस्त बहन जी कितनी चिंता कर रही थी तेरे बारे में, इस बार तेरे मैथ में नंबर भी कम आए हैं। 84% आए पापा, 84% कम नहीं होते वो। हाँ तो भैया, वो पिछली बार से तो कम ही हुआ ना, इसीलिए कपिल भैया की ड्यूटी लगाई है तेरे को पढ़ाने के लिए। सुबह सुबह ना बड़ा का दिमाग ताजा होता है, इसमें जल्दी जाता है। चल पढ़ाई शुरू करते। मैं तो फूल तोड़ने जा रही थी। हाँ तो भाई, फूल मैं तोड़ लूंगा, पर तेरे को तो आ गए ना इससे पहले कोई और आ जाए। हेलो, गुड मॉर्निंग किरण। कैसे हो? ये पूछने के लिए तो मैंने तुम्हें फोन किया था किरण। कल तुम्हारा जो मूड था उसे देख के तो मैं मेरा मूड अब बिल्कुल ठीक है। एनीवेज, थैंक्स फॉर आस्किंग। व्हाई आर यू ऑलवेज सो फॉर्मल किरण? फॉर्मल कहाँ, मैं तो आपसे आई डोंट थिंक व्हाट यू आर सेइंग इज ट्रू। एनीवेज, मैं कॉलेज के लिए निकल रही हूं। ठीक है, तो फिर वही बताना कि मेरी बात गलत थी। या फाइन, सी यू देन। किरण बेटा, क्या हुआ? किसी कॉलेज
अच्छा अच्छा, लेकिन फोन करने का ये थोड़ा ऑड टाइम नहीं है? ऑड टाइम क्या मामा? बेटा तुम कॉलेज के लिए निकल रही हो ना? हाँ, पर एक बुक है ना, उसी के बारे में उनको बात करनी थी। बुक के बारे में? मैं तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ ना। हाँ, तो फिर बुक? टेक्स्ट बुक नहीं मामा, नॉवल। उस नॉवल को इस साल का बुक प्राइज मिला है। कितनी नाइस। किरण, तुम्हें तो बुक्स का कभी शौक नहीं था। तुम्हारे पापा कितनी बार इंसाइक्लोपीडियाज लाते थे। और नहीं है तो क्या हुआ मामा? डेवलप हो सकते हैं। वैसे मैंने संस्कार से कह दिया था कि उन लोगों से बात कर ली है। पेपर वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बस एक बार जाकर उनसे मिल ले। पर शायद वो वक्त नहीं निकाल पाया। मैं ही मिल लूंगी उन लोगों से, आप चलिएगा मेरे साथ। आजकल संस्कार को कुछ भी कहने से मैं बहुत कतराती हूँ। इसी के बाद ऐसे ऐसे सवाल करता है मुझसे जिनके मेरे पास जवाब ही नहीं होते। मुझे पता है आजकल वो सिर्फ अपने पापा के बारे में सोचता है। काम में तो बिल्कुल ध्यान नहीं लगता उसका, उसे लेकर मैं बहुत परेशान रहती हूँ वर्मा जी। मैं समझ सकता हूँ संतोष, संस्कार कहाँ है? आज ऑफिस नहीं आ रहा? सुबह सुबह ही कहीं चला गया, पता नहीं कहाँ रहता है आजकल। खुद भी परेशान रहता है, साथ में मेरी भी तकलीफ बढ़ाता है। कपिल, माँ यहाँ आती रहती है। सो आई एम श्योर इस मामले में जितने भी कागजात हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्होंने यहीं पर कहीं रखे होंगे। आई एम कॉन्फिडेंट। ऐसा कर, तू ऊपर देख, मैं यहाँ चेक करता हूँ। ठीक है भाई। कुछ भी नहीं है? मिलेगा कपिल, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। ढूंढ। हाँ भैया, मैं वहाँ ढूंढ ढूंढ ढूंढ। सर्विस की है। हाँ। बड़ी मां के नाम पे। हाँ। और डिलीवरी दादी के नाम पे। व्हाट? मिसेस गायत्री कपूर। बंगला नंबर सावरकर शाहपुर। निशा ठीक कह रही है, फ्रेंड्स ने सॉरी और थैंक्स किस लिए। चलो अब तुम लोगों ने इतना कह दिया ना तो अब मुझे कम बुरा लगेगा। पर हमें तुमसे एक शिकायत है। अब क्या हुआ? हमें केक नहीं मिला ना। Oh God, I forgot. I'm so sorry. अरे आज मैं लाने वाली थी, seriously. चलो कोई बात नहीं, केक नहीं मिला तो क्या हुआ, पेस्ट्री केक तो हम जरूर लेंगे। Sure, definitely. See, that's a promise. तुम लोगों को लेक्चर के लिए देर नहीं हो रही है क्या? देर तो हो रही है लेकिन आज बंक करने का मूड हो रहा है। पर मेरा ऐसा बिल्कुल मूड नहीं हो रहा है, मैं जा रही हूँ। Okay. हाय। कैसे हैं आप? भाई मैं तो कल भी अच्छा था और आज भी हूँ, लेकिन तुम्हें देख के ये जरूर लग रहा है कि तुम्हारा मूड आज बैठा है। हाँ, वो कल क्या बताऊँ, मुझे अचानक ही गुस्सा आ गया था।
और घर वालों ने तुम्हें मना भी लिया हो। हाँ, और पापा से तुम्हें ज्यादा देर तक नाराज रह ही नहीं सकती। और एक बात कहूँ, कभी कभी ऐसे टेंशन थ्रो करना अच्छा होता है। कितनी अटेंशन जो मिल जाती है, और पापा इतना परेशान हो गए थे। But I tell you, he's really fond of me. I hope कि ये टेंशन कभी कभी ना जाए। कभी कभी? एक बात पूछो, आपने मुझसे ऐसा क्यों कहा था कि मैं आपसे बहुत फॉर्मली बात करती हूँ? वो बस यूं ही स्पॉन्टेनियसली कह रही थी। I didn't mean anything. आप क्या लाइब्रेरी जा रहे हैं? हाँ, ये बुक देने जा रहा हूँ। तुम्हारा कोई लेक्चर होगा? लेक्चर तो है, पर मैं सोच रही थी। यादव, मैंने तुमसे क्या कहा था? कैंटीन में फ्रेंड्स के साथ लेक्चर के बाद भी बैठा जा सकता है। किसका लेक्चर है इसका? मिसेस रामनाथन का। ओह, तब तो तुम्हें उनका लेक्चर जरूर अटेंड करना चाहिए, क्योंकि मिसेस रामनाथन के पढ़ाने का तरीका बहुत ही। ओके फाइन, मैं अटेंड करूंगा। गुड, वेरी गुड, गो अहेड। इट्स रियली स्ट्रेंज भैया, बड़ी माँ दादी को लेटर्स लिखते रही और वो भी शाहपुर जैसी जगह पर। कपिल, क्या तू जानता है ये जगह कहाँ पर है? नहीं भैया, मगर मेरे ख्याल से पूना के आसपास है। कपिल, ये रिसीट्स हाल ही की भी हैं और पुरानी भी। इसका मतलब इतने साल से दादी वहीं पर रह रही और माँ उनके साथ रेगुलर कॉन्टैक्ट में है। मुझे भैया ये बात समझ नहीं आ रही, ये सीक्रेसी किस बात की? घर वाले लोगों को लेकर, घर वालों से? Isn't it strange? आई नो कपिल, ये बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही, पर जानता है कपिल, जितना ही मैं बातें जानता जा रहा हूँ उतना ही सब कुछ जानने की बेचैनी बढ़ती जा रही है। रात को मैं सो नहीं पाता, समझ नहीं आता किससे जाकर बात करूं। पहले ही मैंने पापा को लेकर और अब ये, इट्स सो डिस्टर्बिंग कपिल। सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग बात पता है क्या भैया? हम किसी से कुछ नहीं पूछ सकते। और मैं किसी से कुछ पूछना चाहता भी नहीं कपिल। कपिल, पहले ही मैं बहुत टेंशन क्रिएट कर चुका हूँ, अब कोई सवाल नहीं पूछने मुझे किसी से। अब तो बस ये एड्रेस लेकर मैं शाहपुर जाना चाहता हूँ, बिना किसी को बताए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो भैया शाहपुर दोनों एक साथ चलते हैं ना? पर तेरा प्रोजेक्ट और उसकी डेडलाइन? नेक्स्ट वीक सबमिट करना है ऑर्गेनाइजर्स को। कपिल, तू यहीं रुक, मुझे जाकर आने दे। हो सकता है शाहपुर जाकर मुझे पता चल जाए कि ये जो बड़े हैं हमसे एग्जैक्टली क्या छुपा रहे हैं और क्यों। छिपाने की क्या बात है इसमें? अगर छिपाना ही होता तो फिर किरण अपने इस फ्रेंड को क्या क्या नाम बताया इसका? वरुण। हाँ, वरुण को घर पर क्यों बुलाती? आई थिंक शी इज वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। मनोज, मैं माँ हूँ उसकी, मेरी इंस्टिंक्ट्स पर भी तो भरोसा करो। इंस्टिंक्ट्स नहीं है ये, इनसिक्योरिटी है एक पेरेंट की, जो अपने बच्चों को अकेले ही अपना आकाश बनाते देखना नहीं चाहते, आजादी से उड़ते देखना नहीं चाहते। कमाल करते हो तुम, बेटी है वो मेरी, फिक्र तो होगी ही ना। वैसे भी पढ़ाई में उसे कोई दिलचस्पी नहीं है, अगर इन सब बातों की तरफ ध्यान गया तो जो थोड़ी सी उम्मीद है उसके करियर से वो भी खत्म हो जाएगी। अगर ऐसी बात है तो इस तरह के फ्रेंड से तो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ही होगा ना उस पर, जिसका प्रोफेशन ही पढ़ाई लिखाई और एकेडमिक्स है। मनोज, मैंने उन्हें फोन पर बात करते सुना है, फ्रेंडशिप नहीं, किरण की आंखों में एडमिरेशन है वरुण की। तुमसे किसने कहा कि फ्रेंडशिप में एडमिरेशन है? जब
तुम्हारी दोस्ती हुई थी पर मैं भी तो एडमायर किया करता था। चलो ठीक है, मेरी बातों पर यकीन मत करो, किरण पर तो करो। वो बेटी है हमारी बाला और काफी सेंसिबल और मैच्योर है, भरोसा रखो। संतोष बहन जी ना बिल्कुल बाऊजी की तरह सोचती हैं, जैसा बाऊजी सोचते थे अपने बच्चों पर भरोसा रखना चाहिए। संतोष बहन जी ने तो अपने बच्चों को बाऊजी से ज्यादा आजादी दी है ताकि उनको कल को किसी किस्म की कोई शिकायत ना हो, वो जिंदगी में आगे बढ़े, तरक्की करें, खुश रहें। बहन जी देखो अब घर का माहौल कैसा हो गया है, कैसे कैसे सवाल पूछने लग गए हैं बच्चे, पता नहीं हमसे कहां भूल हो गई। गोड़े हमसे कोई भूल नहीं हुई, बस वक्त बदल गया है, जो बातें हमारे लिए बहुत कुछ थी बच्चों के लिए कुछ भी नहीं। क्या सिखाए क्या समझाए, हवा ही ऐसी है। बहन जी बदलाव अच्छा है, बदलाव होना भी चाहिए, पर कुछ बातें तो पुराने जैसी होनी चाहिए ना। अगर सारी बातें बदल जाएंगी तो फिर उन पुरानी बातों का क्या मतलब रह जाएगा कि माँ का लिहाज करो, बड़ों की इज्जत करो, सबसे मेल जोल रखो। क्या कहूँ निकोड़े, संस्कार के बारे में बात कर रहे हैं, क्या कह सकते हैं। मुझे तो बस संतोष दीदी के लिए बहुत दुख हो रहा है। जबकि मुझे भी यही लगता है कि संस्कार अपनी जगह गलत नहीं है। बहन जी बात गलत सही की नहीं है, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि एक पुत्र को कम से कम इतना तो ख्याल रखना चाहिए, उसकी माँ ने इतने दुख सहे फिर भी उसको खुशी दी है, वो अगर अपनी माँ को खुशी नहीं दे सकता तो इतना तो ख्याल रखे कि अपनी माँ को मन की शांति दे दे। कहाँ निकोड़े, कहाँ उम्मीदें बांध सकते हैं हम अपने बच्चों से। बाबूजी की बातें याद है ना, जितनी उम्मीदें बांधोगे उतनी तकलीफें पड़ेंगी। बहन जी संतोष बहन जी ने तो कभी किसी से कोई उम्मीद भी नहीं बांधी है, तो कम से कम अपने लिए तो उन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा है। पर वाहेगुरु पता नहीं कैसे इम्तिहान ले रहा हूँ, तो वाहेगुरु से सिर्फ इतना कहता हूँ कि वाहेगुरु हमारे बच्चों को कम से कम इतनी समझदारी दे दे कि अगर वो इस घर के दुख बांट नहीं सकते, इस घर के दुख बढ़ाए ना, तो वाहेगुरु कितना करते। डियर माँ, मैं जानता हूँ ये खत पढ़कर आपको बहुत दुख होगा, बहुत तकलीफ होगी, पर माँ सच तो ये है कि मैं अब आपकी परेशानियाँ बढ़ाना नहीं चाहता। अपने सवालों से, अपने आर्ग्यूमेंट से, अपने गुस्से से, बल्कि मैं तो चाहता हूँ जो बात आपकी ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी मुश्किल कर रही है उस तक पहुंचूं, ताकि आपकी आंखों में मुझे दर्द की जगह सुकून नजर आए। सुकून तो मुझे भी नहीं है माँ, जब से कपूर हाउस से लौटा हूं मैं एक रात ठीक से सो नहीं पाया, हर रात अकेला यही सोचता रहा कि मेरे पापा कहाँ हैं, हमारे पास क्यों नहीं, मेरी माँ उनके होते हुए भी अकेली क्यों है। वो अपने बेटे को जिसे वो इतना प्यार करती है उसे इस बारे में बताती क्यों नहीं। ये सब सवाल मुझे यहाँ नहीं रहने देंगे माँ, इसीलिए मैं घर से जा रहा हूँ इन सब सवालों के जवाब ढूंढने।
पापा को ढूंढ लें। मुझसे नाराज मत होइएगा माँ, बिकॉज आई लव यू, यू स्टिल मीन एवरीथिंग टू मी, बट आई हैव टू गो, आई जस्ट हैव टू गो, बाय माँ।